अनवरगंज कासगंज रूट पर कानपुर से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस 14117 रविवार रात पलटने से बच गई। ट्रैक पर भरा सिलेंडर रख ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश रची गई थी। बर्राजपुर और बिल्हौर के बीच तेज रफ्तार ट्रेन जब सिलेंडर से टकराई तो तेज आवाज हुई। इसके बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। रेलवे व आरपीएफ अधिकारियों को घटनास्थल से सिलेंडर के अलावा कांच की बोतल, माचिस और एक संदिग्ध झोला मिला है। झोले में बारूद जैसी कोई सामग्री थी, वहीं बोतल में संदिग्ध तरल पदार्थ था, जिसकी जांच की जा रही है। गार्ड ने रेलवे को मेमो भेजकर घटना की जानकारी दी। अनवरगंज रेलवे स्टेशन के अधीक्षक, आरपीएफ और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच की। हादसा बर्राजपुर से करीब 2.5 किलोमीटर आगे और बिल्हौर स्टेशन से 5 किमी पहले हुआ। ये रेलवे के अथॉरिटीज के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी, तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर मौजूद है। हम लोग जो है वो घटनास्थल को जरा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है, सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज ने जो हमें कम्युनिकेट किया उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई हम लगाएंगे। जिस तरह से ट्रेन को पलटाने की कोशिश कहें, क्या उससे आतंकी साजिश की बू नहीं आ रही? अभी सभी बिंदुओं पर जो है वो हमारी टीमें जाँच कर रही है और जो हमारी फॉरेंसिक की टीम है वो बहुत डिटेल में जो है वो पूरे घटनास्थल को बारीकी से देख रही है। जिन लोगों ने जो है वो घटना को अंजाम दिया है, संभवतः जो है जो भी घटना हुई है उसको हम लोग जो है वो कोरिलेट करके उसमें जो कार्रवाई होगी उसकी। फिलहाल कोई ट्रैक बाधित तो नहीं, सर? ट्रेन चल रही है।